हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। वैसे आप सभी अरुणाचली को पता है कि सीजनल वाला चीज जो है तारी, आप लोगों ने तो सुना ही होगा, ऑब्वियसली क्यों नहीं सुनेगा हमारे अरुणाचली वासी। तो हम उसी के लिए आज मेरा ब्लॉग बनने वाला है और हम जा रहे हैं 7 to 8 kilometers अवे फ्रॉम कीबी। तो हम रिवर साइड हम उसी के लिए मिशन के लिए जा रहे हैं और हमारे मिशन में है ये खूबसूरत हंसी लड़कियाँ। ओके, यानी के साथ और एक सुंदर लेडी जा रहे हैं जिसका नाम है, थोड़ा शर्मा रहा है वह, और इसका नाम है मिस्टर पिकू जी। नहीं, आप जो सोच रहे हो वो पिकू नहीं है, वो मर्द वाला पिकू है। आपने पिकू में तो दीपिका पादुकोण को देखा ही होगा, वो वाला नहीं है। सो एनीवे, सो आज मेरा ब्लॉगिंग होगा तारी गांधीपुर और इसके वैरायटीज ऑफ लोकल नेम, अलग अलग जगहों में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। सो हम नदी के किनारे पहुंच चुके हैं। यहाँ से नामेगा क्या? ये तो खतरनाक वाला रास्ता है। खतरनाक वाला रास्ता, स्टंट हम लोग ब्रिज के लिए उठाने वाले हैं। हाँ, बहुत ही खतरनाक वाला रास्ता है रे बाबा। टार्जन वेल डन वेल डन। पिछले साल पहले मेरा एक ब्लॉग बना था यही इंसेक्ट को लेके, जो कि बहुत लोगों ने शायद देखा भी नहीं होगा। फिर भी मैं रिमाइंड कर देता हूँ कि आप लोगों को कि ये जगह पे पहले भी एक बार मेरा ब्लॉग बन चुका था इसी चीज़ को लेके, बट शायद अच्छा तरीका से मैंने बनाया नहीं। तो इस बार कोशिश करूँगा कि वीडियो कुछ अच्छे तरीके से बने। हमारे सभी अरुणाचल लोगों को तो पता ही है, एक्सप्लेन करने का ज़रूरत ही नहीं है। जो बाहर स्टेट्स के लोग हैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये हमारा अरुणाचल का सबसे डिलीशियस इंसेक्ट्स माना जाता है, जो कि बहुत चाव से लोग चटनी बना के खाते हैं इसे। तो इसी तरह से पत्थर के अंदर में इसे ढूंढा जाता है। अभी स्टार्टिंग है, देखते हैं कि हम लोग का मेहनत कितने रंग लाते हैं। और वहाँ पर भी कुछ लोग आके इसी इंसेक्ट को ढूंढ रहे हैं। यहाँ पे लोग ये देख रहे हैं कि इसका लेवल जो है, पत्थर का जो लेवल है, ये डाउन जो है बिल्कुल ही पहले समानता था। गर्मी के सीज़न में बहुत भयानक बारिश और ये पानी का लेवल हाई होने की वजह से पानी जो इतना ऊपर तक उड़ गया था, इसलिए यहाँ पे पूरा पत्थर जमा होकर यहाँ पर इस तरह से पहाड़ जैसा यहाँ पर चढ़ाई हो गया। यहाँ पर सोच के देखिए कि कितने भयानक यहाँ पे पानी का लेवल बढ़ा होगा। धूप भी बहुत कड़क है भाई, गर्मी तो बहुत हालत ख़राब है। इसी के साथ पहला सक्सेसफुल वन टारी के साथ में, वाह, क्योंकि हम बहुत लकी है ना, इसलिए हमको सबसे पहले मिलता है। यस यस, देखो ये इसमें यहाँ एक, वाह, तारी बहुत डाल दो डाल दो। चलिए मैं भी काम में लग जाता हूँ। Look at this guys, look at the size of this गांधीपुर से। आप देख सकते हैं इसके शरीर से जो स्मेल निकलता है ना, इन यही चीज़ की वजह से आदमी बहुत अट्रैक्ट होते हैं। दिस इज कॉल्ड गांधीपुर। And you can see a beautiful landscape with river flowing water behind
पीछे। Look at the view, guys. Wow. These two guys are still looking for a tari. As we all know कि ये इंसेक्ट जो सीजनल होता है, तो इसी के चलते यहाँ के लोग कई सारे लोग शायद इस जगह पे अटेम्प्ट कर चुके हैं पकड़ने के लिए, तो शायद उसी वजह से रीज़न भी हो सकता है कि हमें थोड़ा कम ही मिल रहा है इस बार। और इसे खाने में जितना मज़ा है, अरे ये तो पेप्सी है भाई, और इसे खाने में जितना मज़ा है उतना ही पकड़ने में उतना ही एनर्जी लॉस होता है ऐसा। अभी फ़िलहाल शाम होने को है, और जब शाम हो जाएंगे तो इन लोगों के पर निकल आएंगे और ये हवा में झूलने लगेंगे, और इसे पकड़ने में बहुत ही मुश्किल है। संभाल के रहे, पाव सौ संभाल के रहे। वहाँ पे तो अभी हम लोग सर्च कर लिया, अभी वहाँ पे शायद अभी थोड़ा कम ही मिल रहा है, तो इसी वजह से इन लोगों ने प्लान किया है कि ये पानी को क्रॉस करके उस तरफ भी जाए, क्योंकि वहाँ पे आना जाना थोड़ा कम रहता है लोगों का, तो इसलिए वहाँ मिलने का संभावना शायद ज़्यादा हो सकता है। हम पानी क्रॉस करने दिल नहीं हो, मेरा हाथ में कैमरा होगा ना, हाँ इसलिए आप लेके आओ ना। वहाँ क्रॉस करने के लिए बहुत उतावला हो रही है इंसान। अगर किनारे पार करेगा हाँ मानता है, लेकिन पानी तो इतना गहरा तो नहीं, लेकिन मुझे पानी के अंदर घुसने के लिए थोड़ा सा घबराहट हो रहा है, क्योंकि थोड़ा ठंडा है तो शायद इतना तक भीग जाएगा होगा। जल्दी रात होने वाला है। संभल के जाना और सही सलामत वापस लौट के आना। फाइनली वो लोग वहाँ पे क्रॉस हो चुके हैं, और दोस्तों पता नहीं लोग तारीख के लिए इतना मेहनत क्यों करते हैं, अपना जान भी जोखिम में डाल लेते हैं भाई। और सही में दोस्तों एक चीज़ तो बताना चाहता हूँ कि इसी इंसेक्ट्स के लिए हमारे अरुणाचल में कई सारे लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। गर्मी के वक्त जो है यहाँ पे माहौल बहुत ही हरा भरा रहता है और क्राउड रहता है, लोग यहाँ पे टाउन से हमें नहाने के लिए आते हैं, और ये जगह बहुत ही स्विमिंग पूल से भी बढ़िया जगह है। वो लोग वहाँ पे चींटी जैसे इतने छोटे लग रहे हैं, पता नहीं उन लोगों को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये जगह मेरा दूसरा बार है, पिछली बार मैं जब आया था ये बहुत ही गहरा था, भरा था, लोग वहाँ से ऊपर से छलांग लगाते हैं। किरण मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू सो मच। सो वो लोग अभी तक पकड़ने में व्यस्त है, और मैं यहाँ पे बैठ के मज़े ले रहा हूँ इस जगह का, इतना सुंदर लैंडस्केप है यहाँ पे। और आज शाम को उसका रिजल्ट जो है कितने पकड़े हैं, और उसके बाद उसका चटनी कैसे बनेगा उसका मैं ज़रूर दिखाऊँगा। स्टिक विथ मी गाइस। ओह माय गॉड, दे आर स्टिल सर्चिंग देयर, शायद आज ख़त्म करके जाने का इरादा है। और मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं उन लोगों को मैं सजेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ आइए किमिन, और यहाँ पे यू नो व्हाट, यह कैंप साइट बिठाने के लिए बहुत ही बढ़िया जगह है, आप यहाँ
कहीं भी टेंट पिच कर सकते हैं। और यहाँ मछली पकड़ते हुए, यहाँ पे रोस्टिंग करते हुए, आप यार नेचुरल लैंडस्केप व्यू का मज़ा लेते हुए आप यहाँ पे अपना टाइम स्पेंड ब्यूटीफुली तरीके से आप कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, शाम होने को है और हमें अपने घर मंजिल की ओर जाना पड़ेगा। एंड लेट्स सी कि कितने मिलते हैं हम लोगों को। अब लो, ख़त्म हो गया, उन लोग वापस आ रहे हैं, पूरा अंधेरा हो गया, ठंडा से आधा मुरा हो रहा है अभी। अच्छा हुआ रिवर क्रॉसिंग नहीं किया। अब लो भुगतो। वाह, कैसा लगा आप लोगों को रिवर क्रॉसिंग करते हुए? अच्छा लगा। अच्छा लगा, ठंडा कैसा था? मज़ा था बेचारा, बहुत माया लगा रहे। आज दिन भर से शाम तक ये आज हम लोग का मेहनत देखते हैं। चलो नहीं, मेहनत करना लग गया बेचारा। सब लोगों ने बहुत ही मेहनत किया, इसका फल हम लोग को चटनी खिलाएगा क्या? तो गाइस रेडी रहिए, इसका जो चटनी बनने वाला है आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगा। तो इसी के साथ यहाँ पे प्रिपरेशन चल रहा है री चटनी का, तारी गांधी पुक। तो इसे चटनी इस तरह से पीसा पीस के बनाया जा रहा है। यहाँ पे क्या है, अदरक है, मिर्चा है, और क्या मिक्स किया आपने, नमक, टमाटर भी डालेगा अभी। स्मेल बहुत ही कड़क वाला स्मेल आ रहा है पर जलाते हुए। और क्या जला रहे हैं? लहसुन जला रहे ना ये चंपर। वाह, सभी लोग बहुत एक्साइटेड है, मुंह से सभी का लाल टपक रहे हैं भाई। सो दिस इज द फाइनल रिजल्ट। तो खा के देखिए इसका जो डिलीशियस, जो इसका टेस्ट कैसा है, देख लो तो ठीक है बोलेगा ना। इतना टेस्ट है कि वर्ड में हम बयान ही नहीं कर सकते। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का वीडियो को ख़त्म करता है। आई होप यू लाइक इट। एंड अगर आपने ये मेरा वीडियो को फुल देखा है तो थैंक यू सो मच, और प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। अगले वीडियो में नए वीडियो के साथ फिर दोबारा मिलते हैं। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर एंड सी यू सून। जय हिंद।